प्रतीतों से संज्ञा ने अपना तप पूर्ण कर लिया। मेरा तप पूर्ण होने देने के लिए धन्यवाद महादेव। आपके आशीर्वाद से अब मैं सूर्यदेव का तेज सहन कर सकती हूँ। अब उनके स्पर्श से मुझे जलन नहीं, प्रेम की शीतलता मिलेगी। अब मैं अपने परिवार के पास लौट सकती हूँ। धन्यवाद महादेव। अब मुझे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना है। मुझे शीघ्र सूर्यलोक जाना है। क्या छाया, आंखें खोलो छाया, तुम्हें जागना होगा। छाया उठो, यदि मैं आपके साथ रहने में सक्षम ना हो सका तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। शनि शांत, मुझे क्या हुआ था देव? कुछ नहीं, कदाचित थकावट के कारण। आप मुझसे आंखें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रहे देव? बताइए मुझे, मैं अचानक मूर्छित क्यों हुई? पुत्री कहा है आपने मुझे, तो बताना होगा आपको। बताइए। संज्ञा का तप पूर्ण हो गया है छाया। तुम्हारा अंत निकट है, तुम्हारा अतीत लौट रहा है। कौन लौट रहा है देव?
शनि और कौन? मैं संज्ञा से अभी यही कह रहा था कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, शनि शीघ्र लौट आएगा। सबके समझाने पर भी नहीं माना वो दंड, अपने हट में चला गया इतनी कठिन यात्रा पर। क्रोधित हूं उस पर, परंतु इस बार यही कामना है कि वो सफल हो जाए। महादेव से मेरी पत्नी का जीवन लिया है, बहुत दुर्बल दिख रही हो संज्ञा। हाँ, अस्वस्थ तो है ही, उस पर चिंता से मन घिरा हुआ है। व्यर्थ चिंता करने से क्या होगा संज्ञा, मेरी मानो, मन को शांत रखकर विश्राम करो। जिसकी संतान कैलाश की दुर्गम यात्रा पर हो, उस माता का मन शांत कैसे रह सकता है? शनि जब तक सुरक्षित नहीं लौट आता, मैं एक पल विश्राम नहीं कर पाऊंगी। जो हट तुम्हारे पुत्र ने किया है संज्ञा, उसके पश्चात तुम्हें किसी भी परिणाम के लिए सज्ज रहना होगा। आपके शब्दों का तात्पर्य क्या है देव? क्या ऐसा कुछ है जो जो आप जानते हैं और मैं नहीं? बताइए देव। सूचना मिली है, इंद्रदेव नहीं चाहते कि शनि महादेव तक पहुंचे, और जब इंद्रदेव को चाहते उसे पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये तुमसे छुपा नहीं है। जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। शनि नाम का कांटा सदा के लिए मेरे मार्ग से हट गया। तमाप 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 तमाप। नारायण नारायण, ये क्या किया आपने, क्या किया आपने इंद्रदेव? आपको प्रभु श्री महाविष्णु का संदेश था कि आपको केवल शनि को रोकना है, उसे रोकना, उसकी उसकी हत्या नहीं करनी थी आपको। आप भूल रहे हैं देवऋषि, महाविष्णु का संदेश था कि शनि को रोकना, अब कैसे रोकना है इसका निर्देश आपने नहीं दिया था। उसने मेरी सत्ता को ललकारा, देवराज इंद्र को ललकारा। आपका कार्य संपन्न हुआ वायुदेव, आप प्रस्थान कर सकते हैं। शनि को रोक लिया हमने। कोई नहीं रोक सकता मेरे शनि को। यदि उसने कहा है कि वो महादेव तक जाएगा तो वो जाकर ही रहेगा। इंद्रदेव कभी नहीं रोक सकेंगे उसे, कभी नहीं।
पुत्री। संज्ञा पुत्री। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपकी पत्नी का अंत निकट आ रहा है सूर्यदेव। अब एक पल प्रतीक्षा नहीं हो रही, वर्षों पश्चात मैं सूर्यदेव को देखूंगी। यम और यमी भी अब तक बड़े हो गए होंगे। जैसे जैसे ये घाव बढ़ेगा वैसे वैसे मृत्यु इसके निकट आती जाएगी। अब अधिक समय शेष नहीं है सूर्यदेव। कदाचित यही नियति है और यही हमारा भाग्य है संज्ञा। इंद्रदेव के रहते शनि महादेव के पास कभी पहुंच नहीं पाएगा। जितने पल शेष है तुम अपने संतान के साथ बिता सकती थी। पल समय शनि महादेव तक पहुंच सकता है, बस उसे थोड़ा समय थोड़े पल और चाहिए और वो मैं उसे दे सकता हूं। कैसे देव? ये बताने का समय नहीं है, करके दिखाने का समय है। तू मेरी पुत्री
मैं एक विशेष कार्य से जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना लौटूं, आप मेरी पुत्री का ध्यान रखना सूर्यदेव। हाँ अवश्य देव। असंभव। शनि जीवित है परंतु कैसे देव ऋषि? नारायण नारायण, देवराज हैं आप, देवराज इंद्र। और बल की परिभाषा का ज्ञान आपको मुझसे कई गुना अधिक है। आपने शनि को रोकने के लिए अपना पूर्ण बल लगा दिया, परंतु जो बल शनि को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है उसे तो आप आंक ही नहीं पाए देवराज इंद्र। हाँ इंद्रदेव। प्रभु विष्णुवे नमः। प्रणिपात। माता और संतान के संबंध की शक्ति को अनदेखा किया आप। कर्म फलदाता के कर्मों के बल को अनदेखा किया आपने। निश्चित रूप से नारायण मेरी शक्ति शनि के समक्ष कम पड़ गई, परंतु द्वंद्व अभी शेष है। देवराज इंद्र के पास और भी प्रहार हैं। कदाचित शनि को रोक पाना आपके सामर्थ्य के परे। शनि को शक्ति से नहीं सोच से रोका जा सकता है। अब मुझे ही शनि के मार्ग में खड़ा होना होगा, या कहूं कि उसे उचित मार्ग दिखाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें मेरे उत्तरदायित्व पूर्ण करने होंगे। यम और यमी को इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। मैं पूरा प्रयास करूंगी देवी कि यम और यमी को इनकी माता की कमी ना होने दो। बस कुछ देर और मैं अपने परिवार से फिर से मिल पाऊंगी, अपने तप का फल भोग पाऊंगी। छाया ने मेरे निर्देशों का पूर्णतः पालन किया होगा, यम यमी का लालन पालन उचित प्रकार किया होगा, और क्यों ना करेगी, मेरी छाया ही तो है वो। शीघ्रता में हो पुत्री। पिताश्री। कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो पुत्री? मैंने कुछ पूछा है संज्ञा, कहां से आ रही हो?
और ये भगवा वस्त्र क्यों? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.